सॉरी इंडियन में दिल्ली की लैंग्वेज में बोले तो हम बट इट्स अ श्रीलंकन टुक टुक जो 612 केआर में हमें ब्रिज पे लेके जा रहा है बोलते हैं जो व्हाट डू यू कॉल द दैट ब्रिज व्हाट्स द नेम ऑफ दैट ब्रिज एला ब्रिज नो नाइन आर्टर्स नाइन आर्टर्स या द ब्रिज नेम इज नाइन आर्टर्स हियर वी आर गोइंग नाइन आर्टर्स नाइन आर्टर्स 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 आधा घंटे तो ऊपर नीचे होगा नीचे जाएगी 15 मिनट 15 मिनट ऊपर आएगी 15 मिनट रुकी 45 मिनट हो गए चल है दैट्स इट नाउ वेयर टू गो एंड यू गो डाउन एंड रेलवे ट्रैक टर्न लेफ्ट ओके यू आर वेटिंग हियर ओके तो ये यहीं तक उतारते हैं अगर आपके पे तो ये लोग यहीं तक उतारते हैं अगर आपके में एनर्जी है तो मैं को नहीं लगा ये इतना ज़्यादा दूर था पर अभी हम एक ट्रैक करके आए हैं तो हमने ये कर लिया हाँ तो इतना मुश्किल नहीं है और ट्रैक पास ही है तो 300 अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 200-250 रुपये तो हिमालय तो 2-4 किलोमीटर भी नहीं है बट दिस इज द ट्रैक ये आ रहा है ट्रैक आपका ये आ गया हर जगह की अपनी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो वहाँ का एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है यहाँ का ये ट्रैक बन गया है कहीं पर हम जो लोकल सोचते हैं कि उनको वो चीज़ समझ नहीं आती हाँ मतलब ये जो ब्रिज है वो बन गया है लोग पीपल आर वॉकिंग ऑन अ ट्रैक ओनली आई एम गोइंग बैक ऑन अ ट्रैक हाँ इन पे चढ़ना ज़्यादा आसान हो रहा है तो आप सिर्फ इन पे जो ट्रैक्स के ये प्लैंक्स लगे हुए इस पे कदम रखते रहो और चलते रहो पिछली वाली जो हम अभी जो उतरे हैं वहाँ से लिटिल एडम पीक से उससे ये मुश्किल से 500 मीटर या 1 किलोमीटर आगे ही होगा क्योंकि मतलब गाड़ी में था शायद 1 किलोमीटर भी ही होगा तो ये ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से तो इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है चलो पहुँच गए वी आर ऑलमोस्ट देयर लुक एट इट पब्लिक है इधर बहुत सारी यहाँ कीचड़ है दिस ट्रैक इज ऑलमोस्ट गॉन लगता है ऊपर से लैंडस्लाइड हुई है मिट्टी में ढक गया है सारा ओ मैन इट्स क्राउडेड
तो हमारी ट्रैकिंग, सॉरी कौन सा ब्रिज था ये? नाइन आर्चेस ब्रिज हमारा ख़त्म हुआ। आर्चेस ब्रिज अब समझ में आएगी, थोड़ी आर्क शेप में है वो, मैंने पहले ही गेस कर लिया। तो मुझे पहले ही पता था कि ये नाइन आर्चेस मीन्स ब्रिज के अंदर नाइन आर्चेस होंगी। So, पिक्चर देख रही थी ऑलरेडी, कुछ पिक्चर और कुछ थोड़ी चीज़ें क्लिक करने का, तो यहाँ से जा रहे हैं। थोड़ी काफ़ी धूप है इधर, धूप हो गई है। बट एक अच्छा सीनिक व्यू पॉइंट है, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग यहाँ थोड़ी सी क्लाउडी और बारिश अगेन मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन तो और भी अच्छा वो लगता है क्योंकि अभी धूप से ना स्किन बर्न हो रही है, क्योंकि दिन के 2-3 बजे तो अब 3:30 बज रहे हैं। हाँ तो वही मतलब काफ़ी हार्श धूप है इस टाइम, हार्ड आ रही है एकदम। नाउ वी आर गोना हैव लंच, उसके बाद हम वाटरफॉल देखेंगे जो हमारे रास्ते में आएगा, रामबुदा। तो कल ही नहीं देखा था हमने, फिर से वही आ रहा है। कौन सा ये भी एक है वाटरफॉल, विल सी, विल आस्क ग्रैंडी, उसको ज़्यादा पता है। चलो फिर वाटरफॉल देखते हैं, फिर होटल जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ का होटल देखते हैं उसका कितना अच्छा व्यू है। मेरे हिसाब से ये वाले होटल में थोड़ा देखना पड़ेगा व्यू का, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग हेयर व्यू नहीं है इसका। हाँ, इट्स जस्ट अ गुड प्रॉपर्टी आई थिंक और गुड रूम्स। Quite a scenic place where you can be at it between Neura Hilya and Udvalve. It's between Ella and Udvalve, and it's very good. Very nice. So we don't have time, else we have covered Ravana Cave. Ravana Caves ka bhi rasta inhi rock ke beech ke andar se jata hai. Rock ke andar hai Ravana Caves. वहाँ जाने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा, तो अब उसमें आपको ऑलमोस्ट आधा दिन लग जाएगा, आधे से ज़्यादा। हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तो हम बस अभी ये रावना फॉल्स देख करके ही काम चला रहे हैं। रावना वाटरफॉल, जितना ब्यूटीफुल ये वाटरफॉल है उतनी ही इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री है। नाम से आप समझ ही गए होंगे कि ये रावण के ऊपर है, एंड इसकी हिस्ट्री ये है कि जब रावण ने सीता को किडनैप किया था तो इसी के पीछे एक केव है जहाँ पर उन्होंने उन्हें छुपाया था, एंड वो केव यहाँ से हाफ डे की ट्रैकिंग पे है। तो अगर आप पे टाइम हो तो उसे ज़रूर विज़िट करके आइए।